नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। गुनी गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। 30 साल मेडिकल फील्ड में मैंने काम किया, यानी पेशेंट को ट्रीट करने का। दोस्तों, एक गलती ज़्यादातर पेशेंट, उसके रिलेटिव और कभी कभी डॉक्टर भी करते हैं, वो क्या है? जब बहुत तेज़ बुखार आता है तो लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, आइस निकालते हैं फ्रिज में से और आइस क्यूब यहाँ पे घिसते हैं सर के ऊपर या बॉडी के ऊपर, ठंडा पानी से पोते मारते हैं। दोस्तों, कोल्ड स्पंजिंग इसको कहते हैं या आइस पैक कहते हैं। दोस्तों, ये गलत तरीका है। बुखार हमारे शरीर में बढ़ता है तो अगर ब्रेन तक पहुँच गया 105 से ज़्यादा तो ब्रेन को ऑफकोर्स डैमेज करता है, तो हमें टेम्परेचर को डाउन करना ही चाहिए। मगर आप जब आइस वाटर से करते हैं तो स्किन ठंडी हो जाती है और आपको लगता है कि उसका टेम्परेचर ठीक हो गया हाथ लगा के। एक्चुअली आपने वो इंसुलेट कर दिया, अंदर तो गर्मी भरी हुई है। और दूसरी बात है, जब आप ठंडे पानी से ये करते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, तो हमारे जो पसीने के जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म यानी गर्मी बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो टेम्परेचर है, गर्मी है, शरीर में रहेगी और वो डैमेज तो करेगा। दोस्तों, ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है, आइस कैप की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक नेपकिन लेना है, नल के पानी के नीचे रख के नॉर्मल रूम टेम्परेचर से उसको भिगोना है, फिर निचोड़ के फिर बॉडी के पूरे शरीर पे उसको ज़ोर ज़ोर से घिसना है, ऊपर से पंखे चालू कर देने हैं। उससे क्या होगा कि हमारे स्किन के जो छिद्र रहते हैं, चमड़ी के छिद्र रहते हैं, वो खुल जाएंगे, आपके फ्रिक्शन से खुल जाएंगे और पसीने के द्वारा हमारी गर्मी, शरीर की गर्मी बाहर निकल जाएगी और पूरा शरीर अंदर से और बाहर से ठंडा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा। इसको कहते हैं टेपिड फंजिंग। आप अभी तक जो कर रहे थे आइस कैप और वो जो कोल्ड फंजिंग, वो गलत था, वो मत करिए, वो आपको मिसगाइड करेगा और आप पेशेंट को नुकसान करेंगे। ऑल द बेस्ट।